स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। दूसरी ओर वैक्सीन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बात अगर राज्य सरकार की करें तो वो भी पूरा प्रयास करने में लगी है। मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कोरोना की वैक्सीन छत्तीसगढ़ को भी जल्द और निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। इसकी जानकारी खुद सीएम भूपेश बघेल ने दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर कहा है इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन कोरोना की रफ्तार और वैक्सीन की केंद्र से मांग करने पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने का कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वैक्सीन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और केवल पत्रबाजी कर अपनी निष्क्रियता, अपने अकर्मण्यता, अपनी नाकामी पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। केंद्र को वैक्सीन की उपलब्धता के लिए पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ने टकराव की राजनीति की है। तो कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन से पहले छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। एक पत्र और निशाने पर सीएम, उनका कहना है कि पत्र लिखकर वो अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं। जिस तरह से कोरोना की संख्या में प्रदेश में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर उन्होंने वैक्सीन के लिए यही कि देखिए पूरे देश में चर्चा हो रही है, ऐसे समय में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हमारे प्रदेश में भी हो, इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हाँ हमारे छत्तीसगढ़ पीछे ना रह जाए, तो हमको भी उस पहली खेप में ही छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन आए, इसके लिए मैंने निवेदन किया। मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र को वैक्सीन के उपलब्धता के लिए पत्र लिखना और दूसरी तरफ केंद्र पर आरोप लगाना कि केंद्र वैक्सीन की तैयारी नहीं कर पा रही है, दोनों विरोधाभास इस प्रकार की बातें करके कहीं न कहीं जो टकराव की राजनीति इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा लगातार केंद्र से की गई है, उसका जीवंत प्रमाण यही है कि जहां एक ओर पूरे कोरोना संक्रमण के दौरान पूरी सरकार ने जिस निष्क्रियता का परिचय दिया, जितनी भी मृत्यु कोरोना संक्रमण के दौरान इस प्रदेश में हुई है उसकी दोषी कोई है तो ये प्रदेश सरकार दोषी है। अपनी निष्क्रियता, अपनी अकर्मण्यता, अपनी नाकामी, इस पर पर्दा डालने का एक कुत्सित प्रयास हमेशा से मुख्यमंत्री जी करते रहे, उसी का ये प्रमाण है कि इस प्रकार से और वैक्सीन के नाम पर भी राजनीति ये कर रहे हैं, टकराव की राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्यजनक है, इस प्रकार से प्रदेश की जनता का हित नहीं ये अहित कर रहे हैं। तो कई गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर और इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और अनुराग अग्रवाल जी मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं डी रोड पर। अग्रवाल जी सुन पा रहे मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ बिल्कुल। अग्रवाल जी मेरा सवाल आपसे रहेगा कि एक पत्र और निशाने पर सीएम, अब ऐसे में अगर कोरोना की रफ्तार प्रदेश में बढ़ रही है वो तो पूरे देश और पूरे विश्व में भी बढ़ रही है, लेकिन जो गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी ने कि पत्र लिखकर राजनीति की जा रही है, ये किस तरह की राजनीति है, पहले आपसे समझना चाहेंगे। एक बात ये सच है कि किसी भी राज्य के मुखिया को, केंद्र के मुखिया को किसी भी विषय में पत्र लिखने का अधिकार है, किसी प्रकार की बात का पूर्ण रूप से अधिकार है। और अगर उस अधिकार के तहत, उस परंपरा के तहत अगर मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय नेतृत्व को और केंद्र सरकार को पत्र लिखा है तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति की बात नहीं होगी। लेकिन लगातार विगत दिनों में देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की किसी भी योजना या किसी भी कार्य में केंद्र राज्य सरकार टकराव की स्थिति उत्पन्न करती है और कोई भी पत्र केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचने के पहले मीडिया में प्रकाशित हो जाता है, समाचार पत्रों में आ जाता है, मीडिया संस्थानों को पहुंच जाते हैं। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ये बातें इस संदेह को जन्म देती है कि मुख्यमंत्री जी पत्र लिखकर समस्या के समाधान नहीं चाहते हैं, समस्या के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। तो मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी की जो आपत्तियां हैं इन्हीं बातों को लेकर है। अगर किसी समस्या का समाधान चाहिए तो ये तो वन टू वन बैठ के होता है। अभी कुछ दिन पहले की घटना देखिए, जब
तो मुख्यमंत्री जी केंद्रीय नेतृत्व के पास सीआरपीएफ की नक्सली क्षेत्रों में 7 कंपनियों की मांग को लेकर गए थे, उसके पहले भी पत्र उन्होंने समाचार पत्र में जारी कर दिया, समाचार चैनलों में जारी कर दिया। तो अगर आप किसी समस्या के समाधान के लिए जा रहे हैं, केंद्र सरकार के पास जा रहे हैं, उनसे 1-to-1 बात करिए, उसके बाद जो समस्या समाधान निकलेगा और नहीं निकलेगा उस पर बात करिए। लेकिन पूर्व में आप पत्र जारी करके, पत्र को सार्वजनिक करके उसकी गंभीरता को कम करते हैं और साथ ही अपनी राजनीति की जो आपके राजनीति की इच्छा है उसे आप सार्वजनिक प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं बातों लोग के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। अब रही बात वैक्सीन के मांग की, तो केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही इस चीज को साफ कर दिया है कि प्रत्येक राज्य को निशुल्क वैक्सीन मिलेगी। तो उसी व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ को भी वैक्सीन मिलेगी, जो छत्तीसगढ़ में भी इसी देश के नागरिक रहते हैं। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि उस व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के लिए जो जो जरूरी आवश्यकताएं हैं, जो जो जरूरी तैयारियां हैं, उस पर ध्यान दें, उसको संपूर्ण तैयारियां करें और उस पर कार्य करें। तो शायद जब भी वैक्सीन देश में आएगा तो छत्तीसगढ़ के लोगों तक पहुंच जाएगा। धनंजय जी क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी अग्रवाल जी ने कहा कि कहीं ना कहीं पत्र अगर लिखा गया है, बिल्कुल उनका अधिकार है, लेकिन एक तरह से ध्यान आकर्षित करने की स्ट्रेटेजी से कहें क्या, क्योंकि पीएम तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि जब भी वैक्सीन का फाइनल ट्रायल हो जाएगा, वो अप्रूव हो जाएगी, वो हर राज्य को निःशुल्क मिलेगी, तो ऐसे वक्त में पत्र लिखने का औचित्य वजह है जी। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं, जो खुद को छत्तीसगढ़ के नेता बताते हैं, उनको छत्तीसगढ़ के हित में लिखे गए पत्रों को लेकर आपत्ति रहता है। ऐसा लगता है कि इनके लिए छत्तीसगढ़ के नाम से मात्र राजनीति करते हैं, छत्तीसगढ़ के नाम से मात्र यहाँ पे वोट पाने की लालसा रखते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की निश्चित बात आती है, इनका रवैया छत्तीसगढ़ के जन जन का विरोधी ही रहे। अगर माननीय मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ जनता के लिए वैक्सीन की मांग की है, इससे बुराई क्या है, और उसकी जानकारी अगर छत्तीसगढ़ जनता को हो गई है तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से डर रही है, भारतीय जनता पार्टी इस दूर से डर रही है क्या, जिस प्रकार से बिहार में जाके भाजपा ने प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन देने का वादा किया और दूसरी ओर प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगाया जाएगा, वहीं तीसरी ओर भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो कहते हैं कि प्रत्येक जनता का वैक्सीन लगाना अनिवार्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं दुविधा में देश की जनता को डालने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रही है। हमेशा कोरोना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के सामने झूठ बोलने काम किया है, झूठ परोसने काम किया है, कुछ भयभीत करने काम किया है, ये स्पष्ट नजर आता है। और जब भी हम छत्तीसगढ़ के चाहे किसानों के मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ के जो आर्थिक जो हमारे मामले, हम केंद्र सरकार को पत्र लेकर हमारी चीजों को मांग करते हैं, छत्तीसगढ़ 2.5 करोड़ जनता की बात को रखते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ किस बात होती है। ये इनका छत्तीसगढ़ का विरोधी रवैया है और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के हर उस व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे छत्तीसगढ़ से संबंधित मामले हो, हम प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और भारतीय जनता पार्टी विरोध करते रहे, इनका काम विरोध करना है। और छत्तीसगढ़ जनता देख रही है, जो खुद को छत्तीसगढ़ के नेता बताते हैं वो छत्तीसगढ़ के हित की बात कैसे विरोध करते हैं, ये छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं। लेकिन धनंजय जी, एक बड़ा सवाल है कि 2 साल हो गए हैं अब सत्ता पर आए हुए कांग्रेस का, अगर प्रदेश की हम बात कर लें, और इन 2 सालों में कई बार इस तरह की टकराव की स्थितियां निर्मित हुई है, ऐसी नौबत क्यों आती है सर? देखिए बात बताइए, अगर मैं एक राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं तो टकराव कहाँ है? नहीं। हम तो हमारे संवैधानिक अधिकार है, जो एक व्यवस्था है उसके तहत हम केंद्र सरकार को पत्र लिखते हैं कि भाई आप हमारे जीएसटी की क्षतिपूर्ति कर दीजिए, जो सिस्टम में है, जो छत्तीसगढ़ के लिए पूरे देश के हर राज्य को मिलना है, उसमें विरोध की बात कहाँ पे है? हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों को हम धान की 2500 कीमत दे रहे हैं, उसमें आप नियम शर्तों को शिथिल करिए, जैसे आपने रमन सिंह की सरकार के दौरान किया था। इसमें विरोध कौन कर रहा है? विरोध तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना। आप एक और सरकार रहती है तो वह नियम शर्तें शिथिल कर देते हैं, दूसरी हमारी सरकार जब आती है, हम किसानों धान की 2500 कीमत देते हैं तो आप नियम शर्तों को शिथिल करने के बजाय थोप देते हैं। तो विरोध कौन कर रहा है? टकराव किसी कौन उत्पन्न कर रहा है? और छत्तीसगढ़ के विरोध कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ के विरोध भाजपा के लोग करते हैं। हम तो छत्तीसगढ़ जनता की बात कर रहे हैं, और किसी भी राज्य सरकार का अधिकार में आता है पत्र लिखकर अपने अधिकार की बात करना। तो पत्र लिखकर हम बात कर रहे हैं, भाजपा पीड़ा किस बात की होती है? इसलिए पीड़ा होती है कि केंद्र बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार सभी मामलों में नाकाम सिद्ध हो चुकी है। चाहे किसानों को जो इन्होंने वादा किया था कि स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिशों में लागत मूल्य का दृढ़ देंगे, इस पर फेल हो चुके। इन्होंने युवाओं से वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, आज देश में 12 करोड़ युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है और 20 करोड़ हाथ में रोजगार किया गया है। ये फेल हो चुके हैं। जिस प्रकार से नोटबंदी को लेकर उन्होंने कहा था कि 50 दिन के भीतर सब कुछ आ जाएगा, काला धन आ जाएगा, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, ये फेल हो चुके हैं। जीएसटी के मामले में ये हर मामले फेल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो नाकामी है नरेंद्र मोदी जी की सरकार की,
उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा हो नकारात्मक जो छवि बन चुकी है उसे भयभीत है कि हम और राज्य सरकारों से मांग करती है उस सरकार को केंद्र पूरा नहीं कर पाती है, इसे भाजपा की छवि खराब होती है, इसी अवसर भाजपा के लोग छत्तीसगढ़ के हितों के साथ विरोधा हमेशा ही का रवैया रहा है। अग्रवाल जी, टकराव होता है अगर मान लीजिए तो वजह क्या है, क्योंकि दो साल में कई इस तरह के मामले निकल कर सामने आए जब केंद्र और राज्य की जो सरकारें थी वो आमने सामने हुई। बिल्कुल जी, आपके आपके प्रश्न का उत्तर तो धनंजय जी ने स्वयं दे दिया। आप देखिएगा, धनंजय जी ने अपनी बातों में कहा कि केंद्र सरकार के पास जब वैक्सीन आएगी तो राज्य सरकार को मिलेगी ही, उस पत्र के उस जो वैक्सीन हमें मिलने वाली है उसके लिए अगर पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों दर्द हो रहा है? बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, ये मान रहे हैं ना, और ये तो सब जानते हैं कि अगर केंद्र से जो वैक्सीन आएगा तो देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होगा और उसके तहत छत्तीसगढ़ में भी प्राप्त होगा। हम कहें क्या रहे हैं, जब वैक्सीन आने वाली है तो उसके लिए जितनी भी तैयारियां हैं उसके रखने की, उसके स्टोरेज की, उसके वितरण की, आप इन तैयारियों पे जोर दें और उन तैयारियों को पुख्ता करें ताकि वैक्सीन प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाए। अब ये कहते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव कहते हैं कि प्रत्येक को वैक्सीन लगाने की आवश्यकता नहीं है, यही पे कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की जो कार्य योजना है इस पे अंतर समझ में आता है कि इनकी कितनी अदूरदर्शिता है। कोरोना में सबसे बड़ा विषय है कि कोरोना को चैन के तोड़ने उस कोरोना का चैन तोड़ा जाए और उस चैन तोड़ने के लिए ही विभिन्न समय में यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया था। वैक्सीनेशन भी उसी प्रणाली पे काम करेगा। पूरे देश में 1,25,00,000 नागरिक हैं। अगर जब पहला वैक्सीन आएगा तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ही लगाया जाएगा, डॉक्टर्स हो गए, स्वास्थ्यकर्मी हो गए, पुलिस वाले हो गए, और उसके बाद जब सेकंड लाइन में आएगा तो और लोगों को जो वैक्सीनेशन होना चालू करेगा जिसमें बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, फिर मध्य आयु वर्ग के लोग होंगे। तो जब वैक्सीनेशन होने से जब कोरोना की कड़ियां टूटनी चालू होंगी तो वैक्सीनेशन की आवश्यकताएं कम होती जाएगी, उसी ओर इन्होंने स्वास्थ्य सचिव ने इंगित किया। और उस बात को ना समझते हुए ये कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अब देखिएगा, बात सवाल उसी कहां से है और दिक्कतें चालू कहां से होती है। आप वो समय याद करिए जब छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज लगभग समाप्त प्राय हो गए थे और राज्य सरकार ने अपने 13 मंत्रियों को योद्धाओं के रूप में प्रचारित करके विभिन्न समाचार पत्रों में उनके तारीफ के कसीदे पढ़ दिए थे। उस समय वक्त था, वो लॉकडाउन का वक्त था जिस समय ये कोरोना से लड़ने की तैयारियों में उन्हें व्यतीत करना था। कोविड सेंटर्स बनाने थे, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं करनी थी, वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं करनी थी, ये सब करने के बजाय वाही लूटने में लग गए और गलतियां वहीं से हो गई। अंकुश जी, जब दूसरे प्रदेश से श्रमिक यहाँ पे आने चालू हुए तो आप वो समय याद करिए, इन्होंने वो श्रमिक राजनांदगांव को क्रॉस करके, वो श्रमिक दुर्ग भिलाई को क्रॉस करके रायपुर टाटीबंध में पहुंच जाता है और टाटीबंध में भी शासन को उसके जांच की व्यवस्था करके उनमें से जो मरीज है उनको अलग रखने के बाद बाकी लोगों को उसके घर पहुंचाने की व्यवस्था करने के बजाय एक इवेंट कंपनी के समान व्यवहार की और वहां पे पंडाल लगा के बसों में ठूस के उसे गंतव्य तक रवाना किया गया। आप इस बात समझिएगा अंकुश जी, अगर उसी समय छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में ही उन श्रमिकों की जांच हो जाती और जो श्रमिक कोविड कोरोना पॉजिटिव है उनको कोविड सेंटर्स में रख के बाकी लोगों को उनके घरों पर भेज के अगर व्यवस्था उस समय ही कर जाती तो ये छत्तीसगढ़ में कोरोना फैल नहीं पाता। आज देखिए छत्तीसगढ़ में 2,500 के आसपास कोरोना मरीज संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 3,000 कोरोना से मौतें हो चुकी हैं और मौतों का तो देखिएगा कि ये लगातार मौत के आंकड़े छुपाते रहे और अभी तक जब कोरोना का संक्रमण कुछ कम हो रहा था बीच में उस समय तक ये आंकड़ों को लगातार जारी करते रहे और उन्होंने कहा कि तकनीकी गलतियां हैं इसलिए आंकड़े हम धीरे धीरे करके जारी कर रहे हैं। कोविड सेंटरों का आलम यह था, आपको अच्छे से मालूम होगा कि कोविड सेंटर में अव्यवस्था से परेशान होकर आत्महत्याएं तक हुई हैं, वहां पे सांप और बिच्छू से परिजनों की मृत्यु तक हुई है। तो हमें यही कहना है कि ये विषय राजनीति का नहीं है, हम कहते हैं राजनीति मत करिए, श्रेय की राजनीति बाद में ले लेंगे, ये एक वैश्विक संकट है जिससे हमारा देश भी जूझ रहा है और बुरी तरीके से जूझ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस समय संवेदनशीलता दिखाते हुए, बुद्धिमत्ता दिखाते हुए और भविष्य की योजनाओं को लेते हुए इस वैक्सीन के आने के पहले उसके स्टोरेज की, क्योंकि ये वैक्सीन -50 डिग्री -70 डिग्री इन तापमानों पे जाके स्टोरेज होगा उसके पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों में, क्योंकि हमारा प्रदेश भी एक कोने से काफी बड़ी जगह है, वहां पे प्रॉपर प्रत्येक जिलों पे ब्लॉक स्तरों पे इसके स्टोरेज की व्यवस्थाएं करवाएं, इसके लिए वितरण की कार्य व्यवस्थाएं करवाएं, फ्रंटलाइन कोरियर्स तैयार, फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो है जिन्हें वैक्सीन लगेगा उन्हें चिन्हांकित करके उनकी व्यवस्थाएं करें। मुझे लगता है कि अभी समय इन चीजों पे ध्यान देने का है, ना कि राजनीति या किसी और पत्र को करने का है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि जब कोरोना वैक्सीन आएगी तो मिलेगा ही और उससे पत्र पहले लिख के वाही लूटने का प्रयास मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है और
फिर भी मैं कहता हूं कि अगर किसी प्रकार का जो कृत्य करना है ये करें, लेकिन ये जो कड़ी को तोड़ने के लिए जो जरूरी तैयारियां हैं उसमें जरूर 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 ध्यान दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वैक्सीन आ जाए उसके स्टोरेज की उसके वितरण की व्यवस्था न होने से जरूरतमंद लोगों तक वो चीज न पहुंचे तो ज्यादा भयावह स्थिति होगी। जी धनंजय जी, क्या वाकई में अब इस और ध्यान देने की आवश्यकता है प्रदेश सरकार को कि वैक्सीन जब अप्रूव होगी, वैक्सीन जब आएगी, और जिक्र किया यहाँ पर अग्रवाल जी ने कि उसके स्टोरेज की -50 डिग्री तक स्टोरेज की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से असरदार होगी, किस तरह का वातावरण में उस वैक्सीन को रखने की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या इस तरह अब सोचने की आवश्यकता है? देखिए अंकुर जी, सबसे बड़ी बात तो है कोरोना को लेकर लगातार चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, या छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता हो, लगातार देश की जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने काम किए, झूठ बोलने काम किए। एक दौर ऐसा था जब बोले कि देश में कहीं कोरोना नहीं है और ट्रंप को बुला लिया, नमस्ते करने पूरे जुट गए, आज देश भर में कोरोना फैल गया। देश में आज 1 करोड़ से ऊपर लोगों को कोरोना प्रभावित हो गए हैं, 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसमें कौन जिम्मेदार है? इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार तो जिम्मेदार है ना। कोरोना कोई छत्तीसगढ़ की बीमारी नहीं है, कोई मध्य प्रदेश की बीमारी नहीं है, उत्तर प्रदेश की बीमारी नहीं है, कोरोना तो विदेश की बीमारी थी ना। जब बीमारी को रोकना था तो ट्रंप का अगवानी करने में लगे थे, ट्रंप का नमस्ते करने में जुटे हुए थे, आज देश का 20 लाख करोड़ का अर्थव्यवस्था तबाह हो गया, 20 करोड़ लोगों के हाथ से नौकरियां चली गई, 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई, 1 करोड़ से अधिक लोग कोरोना से प्रभावित हो गए। ऐसे में इनके पास बसता क्या है? नरेंद्र मोदी जी के फलताओं को छुपाने के लिए राज्य सरकारों पर तो आरोप लगाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री कोई बोलता है तो देश जनता उसको विश्वास करता है, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं देश जनता विश्वास ही नहीं करती है। क्योंकि देखेंगे आप बिहार चुनाव ने प्रत्येक व्यक्ति कोरोना लगाने के वैक्सीन लगाने की बात की, निकलने के बाद उन्होंने बोला कि वैक्सीन तो बना ही नहीं है। तो झूठ बोलने का, ठगने का, गुमराह करने का काम तो भाजपा नेताओं का है, और आज भी वही स्थिति है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना का वैक्सीन लगाया जाएगा, स्वास्थ्य सचिव बोलते हैं प्रत्येक लोगों को वैक्सीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा करने का, देश की जनता को भ्रमित करने का नरेंद्र मोदी की सरकार का ही भाजपा के लोग कर रहे हैं। और रही बात वैक्सीन के रखरखाव की, पूरी तरीके से सरकार जो कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, हम भारतीय जनता पार्टी के तरह नहीं है कि झूठ बोल के काम करेंगे, हम लगातार देखेंगे। और तो और एक बात बोलना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के हमारे प्रवासी श्रमिक भाई जो दूसरे प्रदेश में थे वो अपने घर लौटना चाह रहे थे, उस दौरान भी भाजपा के नेताओं ने उनका विरोध किया, उनको छत्तीसगढ़ में क्यों ला रहे हो भाई, वो छत्तीसगढ़ मूल निवासी है, हमारे श्रमिक भाई है, हमारे मजदूर भाई कहीं कमाने खाने गए, अपन छत्तीसगढ़ ना लौटे, वो इनका भी विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया, कई मंत्रियों के माध्यम से किया। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ऐसा है, आज जब देश बर्बाद हो चुका है, नरेंद्र मोदी की सरकार की सफलताएं का पूरा खामियाजा देश भोग रहा है, ऐसे भाजपा का बसता क्या राज्य सरकार पर टिकरा फोड़ के? मैं तो कह रहा हूँ ना, चाहे कि बड़ी जिम्मेदारी साथ कह रहा हूँ, ये ना तो छत्तीसगढ़ की बीमारी है, ना तो मध्य प्रदेश की बीमारी है, ना तो उत्तर प्रदेश की, ना बिहार की, हमारे विदेश की है। आया कैसे? नरेंद्र मोदी सरकार की गलतियों के कारण यहाँ पे आया है, भारतीय जनता पार्टी के नाकामियों के कारण देश बर्बाद हुआ है। कहीं ना कहीं प्रकार कोई वैक्सीन आएगी और वैक्सीन की हमने मांग किया छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए, उसके विरोध करके भाजपा ने बता दिया कि उनके लिए छत्तीसगढ़ के नागरिकों के प्रति ना तो सम्मान है, ना तो चिंता है, ना कुछ भी बात है, जैसे इन्होंने हमेशा करते रहा है। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र है जो लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। अभी आप देखेंगे हमारी जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि लेना था, हमने जब उनसे मांग किया तो बोलते पत्र लिख दो, पत्र ना लिखे, हमारे राज्य की जनता के हित का पैसा है, हम पत्र ना लिखे, पत्र लिखते तो भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द होता है, हम जब किसानों की बात के पत्र लिखते हैं तो इनको पेट में दर्द होता है, हम पत्र ना लिखे छत्तीसगढ़ हित की बात के लिए। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र कर रहे हैं काम, छत्तीसगढ़ के विरोध करने का भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, उसी काम में आगे बढ़ रहे हैं। हमको आवश्यकता पड़ेगी अंकुर जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमको अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम सुबह शाम प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, छत्तीसगढ़ के किसानों की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों की बात करेंगे, भाजपा विरोध करते रहे, इनका विरोध करने का काम है। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल अनुराग जी, देखिए एक बड़ा सवाल उठाए यहाँ पर धनंजय जी, कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता के खिलाफ के लिए आपके बीजेपी की बात कर रहे हैं कि कोई भी सम्मान नहीं बचा है, क्योंकि ऐसे मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं है। अंकुश जी, अभी तक ना कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता विषय की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए अभी कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 अपने अंतिम चरण में है और ये बहुत शीघ्र पूरे देश के लिए उपलब्ध हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीति आप छोड़ दीजिए, आप इसके वितरण और स्टोरेज की व्यवस्था कर लिए, मुझे लग रहा है ये गंभीरता से पैदा नहीं, गंभीरता नहीं दिख नहीं आ रहे हैं। अभी ये लोग ऐसा क्या कारण है कि अभी तक ये जनता में जागरूकता उत्पन्न नहीं कर पा। आप अभी भी आज जान रहे हैं ना कि मास्क ही आज की डेट में सबसे बड़ा वैक्सीन है, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता ये आज तक जनता में वो जागरूकता क्यों पैदा नहीं कर पा रहे हैं? कैसे ये पैदा होगा जनता में जागरूकता जब प्रदेश का मुखिया अपने घर में
एक त्योहार मनाएगा, ढोलक बजा के नाचना गाना करेगा। जब प्रदेश का कांग्रेस का एक एक नेता शपथ ग्रहण समारोह में भीड़ इकट्ठी करेगा और अपने यहाँ जन्मदिन मनाएगा, मुझे लगता है कि जनता में अभी तक विश्वास नहीं जगा पाए हैं कि अभी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती मास्क ही वैक्सीन है। ये लोग रोज उसका आंकड़ा जारी करते हैं, क्या बोलते हैं, रोज ये फाइन का आंकड़ा जारी करते हैं कि मास्क न पहनने के कारण इतने लोगों का फाइन किया गया, और वही समाचार पत्रों में, आपके चैनल में और विभिन्न जगह पे मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, विभिन्न मंत्रीगण, इनके अपने विधायक महोदय बिना मास्क के जगह जगह घूमते घूमते नजर आते हैं। मुझे लगता है कि इस मामले पे कांग्रेस को गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। राजनीति छोड़ के जनता में जागरूकता पैदा कीजिए, जनता को समझाइए कि जब तक वैक्सीन आ नहीं जाता, जब तक वैक्सीन प्रदेश के आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाता, जब तक कोरोना का ये चक्र और ये कड़ी नहीं टूट जाती, तब तक किसी प्रकार के बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। कोरोना को अभी भी संक्रमित मान के मास्क लगाने की जरूरत है और उसके बाद गंभीरता से आप स्टोरेज की व्यवस्था करिए, आप गंभीरता से उसके वितरण की व्यवस्था करिए, आप फ्रंटलाइन वॉरियर्स को तैयार, वॉरियर्स को चिन्हांकित कीजिए और लगाने की व्यवस्था करिए। चिट्ठी लिख के जितनी राजनीति करना है करिए, लेकिन मुझे लगता है कि चिट्ठी लिखना आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसके पहले चिट्ठी विभिन्न चरणों में प्रसारित करके उस पर राजनीतिकरण, ये उचित नहीं है। ठाकुर साहब, आखिरी सवाल, क्या लोग अभी भी प्रदेश के जागरूक नहीं हो पाए हैं, क्योंकि एक लंबा लॉकडाउन देखा है लोगों ने और सभी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, सतर्कता ही बचाव है, तो ऐसे में क्या प्रदेश की जनता जागरूक नहीं हुई? आखिरी सवाल। मैंने कहा कि कोरोना को लेकर जिम्मेदार तो नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा के नेता है। हमारे 3.5 करोड़ जनता कोरोना को लेकर सजग है, जागरूक है, जानते हैं कोरोना से बचने का उपाय, फिजिकल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख लगा जब भाजपा पार्टी के मित्र राजनीति करने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को गैर जिम्मेदार बोल दिया, नासमझ बोल दिया, जानकारी का अभाव बता दिया। ये इनकी छत्तीसगढ़ के विरोधी होने का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ बच्चा बच्चा मास्क पहनता है अंकुल जी, सुबह शाम हाथ साफ करता है। वाह भारतीय जनता पार्टी, तुम तो छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता को नासमझ बोल दिए, गैर जिम्मेदार बोल दिए, लापरवाह बोल दिए। असल में कोई गैर जिम्मेदार है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार है, जिसके कारण देश में 20 करोड़ का अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, व्यापार व्यवसाय खत्म हो चुके हैं, 12 करोड़ लोगों के हाथ से रोजगार छीना गया है, 1-2 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। तो नरेंद्र मोदी सरकार के गैर जिम्मेदार होने के कारण हुई है। अगर देश में 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं तो उसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। गैर जिम्मेदार वो सरकार है, हमारे देश की जनता गैर जिम्मेदार नहीं है, प्रदेश की जनता गैर जिम्मेदार नहीं है, और गैर जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को जागरूक, हमारे जो जनता समझदार है उनको गैर जिम्मेदार बता रहे हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदार लोग हैं अंकुश जी, ये छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी की बात नहीं करते। असल माने में गैर जिम्मेदार केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा के लोग हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक है, समझदार है, वो जानते हैं कुछ तरह बचने उपाय, इसलिए वो नरेंद्र मोदी की बात पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि कभी कहते हैं लगाएंगे, कभी बोलते हैं वैक्सीन ऐसा आएगा, तो पूरी जनता कोरोना को झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का, देश की जनता गुमराह करने का नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा ने किया है। छत्तीसगढ़ जिम्मेदार बन गए, गैर जिम्मेदार भाजपा के लोग देश को तबाह कर दिए, देश को बर्बाद कर दिए, ये कोरोना की वजह है, देश में 2 करोड़ मौत हुई, नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदार सरकार बैठा हुआ है, पूरी तरह से छत्तीसगढ़ जनता जिसे माफी मांगना चाहिए। छत्तीसगढ़ जनता गैर जिम्मेदार पूरे प्रदेश की जनता को नहीं बताया है, जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उस तात्पर्य में इन्होंने कहा कि जागरूकता का भाव मतलब ये कहते हैं गैर जनता गैर जिम्मेदार है, छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक है, नहीं नहीं, जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं सर, जो लोग मास्क नहीं लगाते उनके बारे में उन्होंने कहा है, प्रदेश की जनता के, पूरे प्रदेश की जनता के बारे में नहीं कहा है नरेंद्र मोदी की सरकार है जी, छत्तीसगढ़ जनता नहीं, देश की जनता नहीं है जी। ठीक है ठाकुर साहब जी, अनुराग जी का कहना था जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, लापरवाही करते हैं, उनको लेकर मतलब उन्हें मास्क देखिए, मैं इस बात का कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ में कुछ लोग चिंता ना करिए, गैर जिम्मेदार नहीं है, भाजपा के लोग गैर जिम्मेदार है, भाजपा के लोग छत्तीसगढ़ को लेकर गैर जिम्मेदार है, चाहे भाजपा के रमन सिंह जी हो, चाहे कौशिक जी हो, ऐसा जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम किया है, ये गैर जिम्मेदारी होता है। ठीक है, चलिए, मेरे पास समय कम है, ठाकुर साहब और अग्रवाल जी आप दोनों हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए और उस मुद्दे पर अपनी राय आपने जाहिर की, तो पत्र को लेकर टकराव की स्थिति जरूर बनी है, लेकिन ना एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या व्यवस्थाएं होंगी छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का कहर बढ़ रहा है लगातार, उसको लेकर CM ने PM को पत्र लिखा है, और अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जब वैक्सीन इजाज होगी और छत्तीसगढ़ तक पहुँचेगी
तो चर्चा के दौरान जिस तरह से ये बात भी निकल कर सामने आई कि स्टोरेज किस तरह से किया जाएगा, जो वातावरण बनेगा उस वैक्सीन को लेकर, -50 डिग्री सेल्सियस तक की हम बात कर रहे हैं, उसको रखने की किस तरह से व्यवस्था होगी, एक बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर है। चलिए, हमारी खास पेशकश में इतना ही। DNN पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।